गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिद्धि हिंदी विद्यालय की इस ऑनलाइन क्लासेस में दसवीं वाले बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको जो वीडियो भेजा है इसके साथ मैं दूसरा भी वीडियो भेज रही हूँ। अभी अभी हमने जो काव्य पढ़ा है उसका जो पहला खंड है वो खंड के शब्दार्थ इस वीडियो के साथ मैं आपको भेज रही हूँ, क्योंकि पहले वीडियो में सिर्फ हमने काव्य की पंक्तियों का भावार्थ किया था, काव्य की पंक्तियों को देखा था। अब यहाँ पे मैं आपको ये शब्दार्थ दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया नात, उसमें भी मैंने शब्द और शब्द के अर्थ मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि अगर आपको लिखने हैं तो कभी आपको काम में आए। नात यानि स्वामी, शंभुधनु यानि शिवजी का धनुष, पंचनी हारा यानि तोड़ने वाला, केव इसका अर्थ होता है कोई, होई ही यानि होगा, आयेशु आज्ञा करे, मोही मुझे, किन क्यों, सेवकु सेवक, सेवकाय सेवा करना, अरी करनी शत्रु का काम, लड़ाई यानि लड़ाई, सुनहु यानि सुनिए, जेही जिसने, सहस बाहु सहस्त्र बाहु बल के समान, रिपु मोरा शत्रु मेरा, सो वह, बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई इसका अर्थ होता है छोड़कर, जेही जाएंगे, अवमाने अपमान करते हुए, लरिकाई लड़कपन में, तोरी तोड़ना, कबहू कभी भी, असी ऐसी, रीस गुस्सा, ममता स्नेह, हेतु कारण। ये मैं आपको बच्चों ये शब्दार्थ बता रही हूँ ताकि आपको लिखने में सरल हो जाए, और इसका भावार्थ इस वीडियो में भेज रही हूँ ताकि आप लिख पाओ, ठीक है। भृगुकुल हेतु, भृगु वंश की ध्वजा के समान, कौन ब्रैकेट में मैंने लिखाई है बच्चों, परशुराम जी, उनका ये नाम भृगुकुल हेतु यानि भृगुकुल की ध्वजा के समान। नृप बालक, नृप यानि राजा, बालक यानि पुत्र, राजा के पुत्र। काल बश, काल यानि समय, मृत्यु, मृत्यु के बश में होना। त्रिपुरारी यानि शिवजी का ये नाम है एक, शिवजी। विदित, विदित यानि ज्ञात। सकल, सकल यानि समस्त। बच्चों ये पहला जो खंड है, ये पहले खंड का मैंने आपको ये भावार्थ अर्थात ये शब्दार्थ बताए हैं। अब वापस इस वीडियो में मैं आपको ये जो पहला जो मैंने आपको काव्य की पंक्तियों के साथ मैंने बोल बोल के आपको ये भावार्थ बताया उसका मैं यहाँ पे लिख कर हम वापस उसको रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके पास वो लिखित में भी पहुँच जाए, ठीक है। भावार्थ एक में, हे नाथ शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा, क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी परशुराम जी गुस्से से बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करे तो लड़ाई अवश्य ही करनी चाहिए। हे राम, जिसने, सुनो, जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, यह समाज को छोड़कर अलग हो जाए अन्यथा सभी राजगण मारे जाएंगे, मुनि के वचन सुन कर। लक्ष्मण मुस्कुराए, परशुराम का अपमान करते हुए बोले, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़ डाले पर आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया,
फिर भी इस धनुष के प्रति इतना स्नेह अर्थात ममता क्यों है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के समान परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, हे राजा, हे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में होश नहीं, काल के वश होने से तुझे बोलने में होश नहीं। समस्त संसार में शिवजी का धनुष कोई मामूली धनुष है? समस्त संसार में शिवजी का धनुष कोई मामूली धनुष है? बच्चों, ये जो पूरा मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ये पहले खंड का शब्दार्थ है और आपको ये भावार्थ भी लिखकर मैंने बताया ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब इसी के साथ मैं आपको पहले दूसरे खंड के शब्दार्थ और उसके भावार्थ का इसके साथ ही वीडियो भेज देती हूँ, ताकि इसके बाद का जो वीडियो हो उसमें क्या मैं आपको काव्य पंक्ति के साथ बोल बोल के समझाऊँगी तो आपके पास पहले से वो मटेरियल पहुँच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये दूसरा जो पढ़ेंगे इस काव्य का वो दूसरा हिस्सा है, दूसरा खंड है, उसमें लखन, लखन यानी लक्ष्मण, सुनहु, सुनहु यानी सुनिए, समाना, समाना यानी एक समान, क्षति, क्षति यानी हानि, लाभु, लाभु यानी लाभ, जुन, जुन यानी पुराने, तोरे, तोरे यानी तोड़ने पर, भोरे, भोरे यानी भ्रम होना, दोषु, दोषु यानी दोष, छुवत, छुवत याने छूते ही, काज, काज याने कार्य अर्थात कारण, दोनों भी अर्थ हो सकते हैं इसके, करिय, करिय याने कर रहे हो, करिय याने कर रहे हो, रोसु, रोसु याने गुस्सा, परसु, परसु याने यहाँ पे परशुराम जी के हाथ में जो उनका शस्त्र होता है फरसा, उसके बारे में आपने गणपति जी के हाथ में भी देखा होगा वो वाला फरसा, ये एक शस्त्र है, शास्त्र, तो यहाँ पे ये जो हथियार है ये फरसे के बारे में है। सड़, सड़ याने दुष्ट, स्वभाव, स्वभाव याने स्वभाव, कोही, कोही याने क्रोधित, क्रोधित, विश्व विदित, विश्व विदित याने विश्व में प्रसिद्ध, द्रोही, द्रोही याने शत्रु, महीदेवंद, महीदेवंद याने भूदेव, भूदेव याने ब्राह्मण। अब यहाँ पे दूसरे का भावार्थ मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, ताकि आपके पास क्या हो वो मटेरियल पहुँच जाए और आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। चलिए, इसका ये भावार्थ जो है इस वीडियो में मैं आपको लिखित में भिजवा रही हूँ ताकि आपके पास इसका मटेरियल पहुँच जाए। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग वो काव्य पंक्ति समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे जो हमने पहले में किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे इसका भावार्थ ये होता है, लक्ष्मण ने कहा हंसकर, हे देव सुनिए, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान है, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान है, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि, राम जी ने तो इसे नए के भ्रम से तोड़ा था, फिर भी यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है, हे मुनि आप अकारण ही क्रोध क्यों कर रहे हो? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना अर्थात जाना है, मैं तुझे बालक जानकर ही, जानकर नहीं मार रहा हूँ, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ, क्या तू मुझे मात्र सुन ही मुन ही जानता है, क्या तू मुझे मात्र मुनि ही जानता है, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, मैं विश्व भर में क्षत्रिय वंश के शत्रु के रूप में विख्यात यानी प्रसिद्ध हूँ, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार ब्राह्मणों को दे डाला, हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु के हजार भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अब नीचे की जो पद के अंत में नीचे की दो पंक्तियां नहीं होती है उसके भावार्थ जैसा दिया हुआ है वो देखिए, अरे राजा के किशोर, तू अपने माता पिता की सोच का कारण मत बन, मेरा फरसा बहुत भयानक है,
यह गर्भ में स्थित शिशु का भी नाश करने वाला अत्यंत कठोर है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो दिया हुआ है तो ये पूरा दूसरे का भावार्थ है, ताकि मैंने आप तक पहुँचा दिया सबसे पहले। अब दूसरे वीडियो में मैं आपको काव्य पंक्ति के साथ हम बोल बोल के हम उसका अनुवाद करेंगे। थैंक यू।